हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ एबी मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखो, आपके सामने मैंने 30 तक के स्क्वायर लिख रखे हैं। इससे क्या ऑब्जर्व करना है वो पहले देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या है, एंड क्या कर रहा है 1 से। उसी तरह से आप ध्यान से देखो, ये 9 का स्क्वायर किससे एंड कर रहा है 1 से। फिर से अगेन 11 का स्क्वायर किससे एंड हो रहा है 1 से। 19 का स्क्वायर किससे एंड हो रहा है 1 से। फिर 21 का स्क्वायर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको 441, ये भी एंड हो रहा है 1 से। फिर 29 का स्क्वायर आप देखोगे तो क्या एंड कर रहा है 1 से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर 1 और 9 से एंड कर रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट 1 या 9 है, तो उसकी जो स्क्वायर वैल्यू होगी वो 1 से हमेशा एंड करेगी। ये पहला ऑब्जर्वेशन है। उसी तरह से आपको ध्यान देना है 2 वाले नंबर्स, 2 और 8 पे। देखो 2 कितने से एंड कर रहा है 4 से, 8 भी एंड कर रहा है 4 से। उसी तरह से 12 एंड कर रहा है 144, यानी कि 4 से एंड हो रहा है। फिर 18 को देखो आप ध्यान से तो दिख रहा है क्या 324, यानी कि 4 से एंड अगेन हो रहा है। 28 को देखो तो 784, और फिर 22 को देखो तो फिर क्या दिख रहा है आपको 4। यानी कि अगर हमारा नंबर का यूनिट डिजिट 2 और 8 है तो वो किससे एंड करेगा 4 से। ठीक है, अब ध्यान दो 3 और 7 वाले नंबर को, 13th और 17 को देखो, 23 और 27 पे ध्यान दीजिए। फिर क्या दिख रहा है आपको, 3 का स्क्वायर एंड कर रहा है 9 से, 7 का स्क्वायर किससे एंड कर रहा है 9 से 49। 13 का स्क्वायर किससे एंड कर रहा है अगेन 9 से। 17 का स्क्वायर 289, यानी फिर से एंड कर गया 9 से। 23 का स्क्वायर किससे एंड हुआ 529, यानी कि 9 से। और 27 का स्क्वायर 729। अगर आप आगे के नंबर्स के स्क्वायर लिखोगे तो कुछ इसी तरह के लास्ट डिजिट आपको दिखेंगे। तो आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपका यूनिट डिजिट 3 और 7 है तो आपका जो स्क्वायर है वो किससे एंड कर रहा है 9 से। अब देखो 4 नंबर, 4 और 6 से एंड होने वाले नंबर। देखो 4 का स्क्वायर कितना 16, यानी 6 हो गया लास्ट डिजिट। 6 का स्क्वायर कितना 36, यानी कि लास्ट डिजिट क्या हुआ 6। अगेन उसी तरह से 14 और 16 को देखोगे तो 196 और 256 दोनों जगह पर लास्ट डिजिट जो है वो 6 दिख रही है। 24 और 26 का स्क्वायर देखोगे तो 576 और 676, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हुई 6। तो अगर यूनिट डिजिट आपका नंबर 4 और 6 है तो उसका जो स्क्वायर वैल्यू होगा वो किससे एंड होगा 6 से। ये आपको ध्यान रखनी है, 1496 ही हमारा यूनिट डिजिट हमेशा होता है किसी भी नंबर के स्क्वायर का। और एक और लास्ट नंबर कौन सा बच गया 5। तो 5 अगर लास्ट में है तो 5 हमेशा एंड करता है 5 से। ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं पिछले वीडियोस में जिसमें हमने स्क्वायर फाइंड करना सीखा था। अब इसी चीज को आपको ध्यान रखनी है कि यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का 1496 और 5, यही 5 नंबर्स में से एंड होती है। अब स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने मैंने 3 एग्जांपल्स रखे हैं। 1936 का स्क्वायर रूट निकालना है, 3364 का स्क्वायर रूट निकालना है, 5184 का स्क्वायर रूट निकालना है। एक एक करके ध्यान से समझने की कोशिश करो कि स्क्वायर रूट हम लोग निकालते कैसे हैं। अब हमारे पास पहला नंबर क्या है 1936। आपको क्या करनी है, इस नंबर के लास्ट दो डिजिट्स को अलग कर देना है, यानी कि 36। अब आप थोड़ा सा पीछे जाओ और देखो कि अगर लास्ट डिजिट 6 है तो उसका स्क्वायर रूट किससे एंड करेगा, या तो 4 से एंड करेगा या फिर 6 से एंड करेगा। तो आप लिखोगे यूनिट डिजिट, यहां पे मैं लिख रहा हूं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी 4 हो सकती है और 6 हो सकती है। ठीक है, अब कौन सा नंबर होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। बाकी के दो डिजिट देखो आप ध्यान से, ये क्या है 19। अब ये जो 19 है ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई करती है वो पहले चेक करते हैं। 19 जो लाई कर रही है वो हो रही है 4 के स्क्वायर के बीच में यानी कि 16, और 5 के स्क्वायर के बीच में यानी कि 25। ठीक है, तो 5 को बोल जाओ। ठीक है, या तो नंबर आपका 44 हो जाएगा या फिर 46 हो जाएगा। अब दो ऑप्शन है, इसको एलिमिनेट करना है। अब आपको क्या करनी है, ये जो 4 आया है इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 आपको दिखेगा 20। ये 20 जो है ये बड़ा हो गया किस नंबर से 19 से, यानी कि यहां पे जो नंबर है 19 ये छोटा नंबर है किससे 20 से। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, जो स्क्वायर रूट होगी वो 44 होगी, 46 को इग्नोर कर देना है।
ठीक है, ये हुआ पहला एग्जाम्पल। फिर से एक समझने की कोशिश करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। 3364 है, जैसा कि मैंने बोला आपको लास्ट के दो डिजिट अलग करो आप, फिर आपको देखना है लास्ट डिजिट क्या है, 4। अगर स्क्वायर 4 से एंड हो रहा है तो आपका जो स्क्वायर रूट होगा वो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। ठीक है, ये तो यूनिट डिजिट की बात हो गई। अब समझते हैं हमारा जो टेंस डिजिट होगा वो कौन सा होगा। अब देखो इसको, बाकी के नंबर क्या है, 33। ये 33 किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रही है वो देखते हैं। देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, और 6 का स्क्वायर होता है 36। 33 इन दोनों के बीच में लाई कर गई। अब आपको क्या करनी है, 6 को इग्नोर कर देना है, या तो नंबर आपका 52 होगा या फिर 58 होगा। परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं सिर्फ हम लोग। अब हम 5 को इसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको क्या दिखेगा, 30। अब बताओ ये 30 ग्रेटर है या 33 ग्रेटर है। आप बोलोगे 33 ग्रेटर है, यानी कि जो स्मॉलर वैल्यू है आपको इग्नोर कर देनी है, बड़ी वाली वैल्यू आपकी आंसर हो जाएगी। तो यहां पे क्या आंसर आएगा, 58। इससे पहले वाले में आया था क्या आंसर, 44। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर नंबर क्या है, 5184। फिर से लास्ट डिजिट 4 हो गया, या पहले आप यूनिट डिजिट डिसाइड करोगे, या तो 2 से एंड होगा या फिर 8 से एंड होगा। फिर आपको क्या करना है, इस 51 को चेक करनी है किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रही है। अब देखो 7 का स्क्वायर बोलोगे, आप बोलोगे सर 49 होगा, और 8 का स्क्वायर 64। ये जो नंबर है 51, क्या ये 49 और 64 के बीच में लाई कर रही है, आप बोलोगे बिल्कुल सर। अब क्या करनी है आपको, 8 को भूल जाना है, या तो नंबर आपका 72 होगा या फिर 78 होगा। अब कौन सा नंबर होगा ये डिपेंड करेगा मल्टीप्लीकेशन किसका, 7 का इसके नेक्स्ट नंबर के साथ, यानी कि 7 × 8 ये क्या हो गया, 56। ये 56, ये जो 51 नंबर है ये 56 से छोटा हो रहा है, तो आपको छोटी वाली वैल्यू लेनी है, बड़ी वाली वैल्यू को इग्नोर कर देनी है। ठीक है, आई होप ये सारे एग्जांपल्स क्लियर हो गए। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो 2-3 एग्जांपल्स और ले रहा हूं मैं, जिससे आपको सब कुछ जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखो 49 अगर मैंने इसको डिवाइड किया दो पार्ट में, तो एक तरफ दिख रहा है 86, दूसरी तरफ क्या दिख रहा है, 49। अगर लास्ट डिजिट 9 है तो आपने क्या सीखा है कि यूनिट डिजिट पहले डिसाइड करेंगे हम, यूनिट डिजिट इसका क्या होगा स्क्वायर रूट का, या तो 3 होगी या फिर 7 होगी, यूनिट डिजिट डिसाइड होगी। अब हम चेक करेंगे ये 86 किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रही है। 86 क्लियर दिख रहा है कि ये 9 स्क्वायर यानी कि 81 और 10 स्क्वायर यानी कि 100 के बीच में लाई कर रही है। तो आपको क्या करनी है, 10 को सबसे पहले भूल जाओ, या तो आपका नंबर 93 होगा या फिर 97 होगा, इन दोनों में से एक हमारा आंसर है। आपको क्या करना है, अब कौन सा आंसर है, बड़ा वाला या छोटा वाला, ये किससे डिसाइड होगा, 9 का मल्टीप्लीकेशन हम चेक करेंगे 10 के साथ, इसके नेक्स्ट वाले नंबर के साथ क्या होगी, 90 होगी। अब देखो ये जो 86 है, ये जो 86 वैल्यू है ये क्या हो गई, छोटी हो गई 90 से, तो आपको छोटी वाली आंसर देगी और बड़ी वाली आंसर को, बड़ी वाली वैल्यू को आप भूल जाओ। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 93, यानी कि स्क्वायर रूट 8649 का क्या आया, 93। एक और एग्जांपल है यहाँ पे 19881। देखो अगर यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है, इस अगर हम स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो यूनिट डिजिट पहले आप चेक करोगे, तो यूनिट डिजिट आप डिसाइड करोगे या तो 1 होगी या तो 9 सेंड होगी। फिर आपको बाकी के डिजिट्स देखने हैं, इन ये नंबर 198 किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रही है। देखो 198 14 के स्क्वायर यानी कि 196 और 15 के स्क्वायर यानी कि 225 के बीच में लाई कर रही है। आपको 15 को भूल जाना है, या तो नंबर आपका 141 होगा या फिर 149 होगी। अब कौन सा नंबर होगा कैसे डिसाइड होगा, 14 × 15 करने पर, अगर नंबर बड़ी हो जा रही है 198 से तो बड़ी वाली वैल्यू, अगर छोटी हो जा रही है तो छोटी वाली वैल्यू। देखो 14 × 15 करोगे तो 15 के स्क्वायर में 15 घटाओगे तो ये बनेगा आपको 210, या फिर 14 के स्क्वायर में 14 जोड़ दो तो 210 दिखेगा। ठीक है, ये 210 बड़ा है या 198 बड़ा है, आप बोलोगे सर क्लियर ये 210 वैल्यू बड़ी है, यानी कि 198 क्योंकि ये छोटा है तो आपको छोटी वाली वैल्यू लेनी है और बड़ी वाली वैल्यू को इग्नोर कर देनी है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 141। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, 4489 है हमारा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले यूनिट डिजिट हम डिसाइड करेंगे, कैसे यूनिट डिजिट डिसाइड करेंगे, इस लास्ट डिजिट को देखकर।
ठीक है, तो 9 से एंड होने का मतलब क्या है, यूनिट डिजिट या तो 3 होगी या फिर 7 होगी। फिर हम चेक करेंगे ये 44 किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रही है, आपको दिखेगा ये 6 स्क्वायर यानी कि 36 और 7 स्क्वायर यानी कि 49 के बीच में लाई कर रही है। बड़ी वाली वैल्यू को तो आप सबसे पहले इग्नोर करो, कट करो, या तो नंबर आपका 63 होगा या फिर 67 होगा। अब बड़ी वैल्यू होगी या छोटी वैल्यू होगी, इसको डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 6 इंटू 7 कितना, आप बोलोगे सर 42। अब देखो ये 44 जो है ये बड़ी वैल्यू है, ये 42 से तो ग्रेटर हो रही है, तो आपको क्या करनी है, छोटी वाली वैल्यू को इग्नोर कर देनी है, बड़ी वाली वैल्यू आपकी आंसर हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4489 आपको क्या देगा, 67। आई होप जो मैंने स्क्वायर रूट सिखाने की कोशिश की है, इसी तरह से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम जल्दी से निकाल सकते हैं। ये तो हो गई स्क्वायर रूट की बात, अब बात करते हैं क्यूब रूट की। देखो क्यूब रूट निकालने के लिए आपको यूनिट डिजिट पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर से यूनिट डिजिट का हेल्प लेंगे। अगर आप बोलोगे सर 1 का क्यूब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1, 2 का क्यूब अगर हम निकालने जाएंगे तो आपको दिखेगा 8, 3 का क्यूब निकालेंगे तो दिखेगा 27, ये 27 है, 4 का क्यूब निकालने जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 64, 5 का क्यूब निकालोगे आप तो आपको मिलेगा 125, 6 का क्यूब निकालेंगे आप तो आपको मिलेगा 216, 7 का क्यूब निकालोगे तो आपको मिलेगा 343, 8 का क्यूब निकालेंगे आप तो आपको मिलेगा 512, ठीक है, और फिर अगर आप 9 का क्यूब निकालोगे तो आपको मिलेगा 729, फिर आप 10 का क्यूब निकालोगे तो आपको मिलेगा 1000, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 11 का क्यूब निकालोगे आपको तो मिलेगा 1331, फिर 12 का क्यूब निकालोगे आप तो 1728, फिर आप 13 का क्यूब निकालोगे तो आपको मिलेगा 2197, 15 का क्यूब निकालोगे तो आपको मिलेगा 2744, ठीक है, अगर आप 15 का क्यूब निकालोगे तो आपको मिलेगा 3375, इसी तरह से आप निकालते जाओगे, 16 का क्यूब निकालोगे तो आपको मिलेगा 4096, ठीक है, 17 का क्यूब निकालोगे तो आपको मिलेगा 4913। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यूनिट डिजिट को देखो, अगर 1 है तो आपको क्या दिख रहा है 1, 11 है तो फिर से दिखा 1, तो 2 क्यूब का वैल्यू एंड कर रहा है 8 से और 12 भी एंड कर रहा है 8 से, ठीक है। अगर 3 देखोगे तो 7 से एंड कर रहा है, 13 देखोगे तो 7 से एंड कर रहा है, 4 देखोगे तो 4 से, 4 हमेशा 4 से एंड करेगा, उसी तरह से 5 हमेशा 5 से एंड करेगा, 6 हमेशा 6 से एंड करेगी, 7 जो है वो 3 से एंड करेगी। देखो 7 और 3 एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया, 3 और 7 एक्सचेंज हो गया, ठीक है, उसी तरह से 2 और 8 एक्सचेंज हो गया, 2 का एंड करेगा 8 से, 8 का एंड करेगा 2 से, 1 का एंड करेगा 1 से, 9 का एंड करेगा 9 से। तो अगर आपके यूनिट डिजिट 1 है, 9 है, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है या फिर 0 है, तो ये हमेशा इटसेल्फ मतलब कि इसी नंबर से एंड कर जाएगी। अगर आपका यूनिट डिजिट 2 है तो ये जो क्यूब होगा वो एंड करेगा 8 से, और 8 है तो आपका एंड करेगा 2 से, तो डबल एरो दिखा दिया मैंने, यानी कि 2 है तो 8 से एंड करेगी, 8 है तो 2 से एंड करेगी, उसी तरह से 3 है तो 7 से एंड करेगी, ठीक है, और अगर 7 है तो 3 से एंड करेगी। ये आपको ध्यान रखना है क्यूब वाले वैल्यूज में, 1 1 9 4 6 0 हमेशा खुद से एंड करेगा, 2 एंड करेगा 8 से, 8 2 से, 3 7 से, 7 3 से। अब आपको क्यूब रूट अगर निकालना है तो आप बहुत ही आसान तरीका यूज करोगे। आप यहां पर देखो, जब भी आपको क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट डिजिट देखो, ये देखो 3 है, ठीक है, 3 अगर एंड कर रहा है, 3 से अगर एंड कर रहा है तो क्यूब रूट में क्या आएगा, आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट आएगी 7, ठीक है, 7 वाले ही नंबर को देखा है हमने कि 3 से एंड करती है। फिर आपको क्या करना है, ये जो लास्ट के 3 डिजिट है ना, इसे आपको भूल जानी है, यानी कि आपको कट कर देनी है। जैसे ही आप लास्ट के 3 डिजिट कट करोगे, आपको जो बचा हुआ नंबर है ना, जो बचे हुए नंबर्स है उसको चेक करना है, ये किन दो क्यूब्स के बीच में लाई कर रही है। देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, तो ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, 1 के क्यूब और 2 के बीच में, 2 क्यूब के बीच में लाई कर रही है। आपको क्या करना है, छोटा वाला नंबर ले लेना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने देखा 17 का क्यूब 4913 था, ठीक है। अब समझते हैं 12167 है। देखो लास्ट डिजिट क्या है, डिसाइड कैसे होगा, यूनिट डिजिट पहले डिसाइड होगी, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट आप बोलोगे सर 7 है तो ये एंड करेगा 3 से, क्यूब रूट एंड करेगी 3 से। फिर आपको क्या करनी है, लास्ट के 3 नंबर्स को रिमूव कर देना, आपको देखना है बचे हुए नंबर्स,
किन दो क्यूब्स के बीच में लाई कर रही है, तो आप बोलोगे सर ये 2 क्यूब यानी कि 8 और 3 क्यूब यानी कि 27 के बीच में लाई करनी है। आपको बड़े वाले वैल्यूज को भूल जाना है और आंसर क्या हो जाएगा इसका 23, छोटे वाले नंबर। उसी तरह से यहां देखो 7, 6, 8 है, लास्ट डिजिट क्या है 8, तो आप क्या करोगे सबसे पहले आप चेक करोगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट 8 होने से हमें मिलेगा 2। फिर आपको क्या करनी है, ये लास्ट के 3 नंबर्स डिलीट कर देना है यानी कि इरेज कर देना है, रिमूव कर देना है, हाइड कर देना है। बचे क्या 32। आपको चेक करना है ये 32 किन दो क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है। देखो 3 का क्यूब निकालने जाओगे तो आपको दिखेगा 27 और 4 का क्यूब निकालने जाओगे तो आपको मिलेगा 64। ये जो 32 है 27 और 64 के बीच में लाई कर रही है। बड़े वाले वैल्यू को भूल जाओ, छोटा वाला वैल्यू आपको आंसर दे देगा यानी कि जो क्यूब रूट हुआ 32768 का ये हो गया 32। उसी तरह से यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है आपको देखने हैं। देखो 6 है, लास्ट डिजिट क्या है 6, तो पहले यूनिट डिजिट डिसाइड करेंगे। यूनिट डिजिट आप डिसाइड करोगे, आप बोलोगे सर 6 है तो 6 से ही एंड करता है क्यूब और क्यूब रूट। फिर आपको लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट भूल जाने हैं। आपको देखना है बचे हुए जो डिजिट्स है, बचे हुए जो नंबर है, ये किन दो नंबर्स के बीच में लाइक कर रहा है। देखो 2 का क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे सर 8, और 3 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 27। ये 17 बिल्कुल लाइक कर रही है 8 और 27 के बीच में। आपको क्या करना है 3 को इग्नोर करना है, आपको आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी 10th प्लेस की 2 यानी कि जो आंसर आएगा वो होगा 26। अब ये जो अगली वैल्यू दिख रही है ये क्या दिख रही है, क्यूब रूट निकालना है आपको 85184 का। फिर से आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट डिसाइड करनी है। देखो यूनिट डिजिट कैसे डिसाइड होती है, इसके यूनिट डिजिट से जिसका क्यूब रूट निकालना है, क्या है यहाँ पर 4। देखो 4 जैसे ही आया आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट क्यूब रूट में आपको 4 आएगा। फिर आपको आखिरी के 3 नंबर्स डिलीट मारने हैं, हाइड करना है, बचे हुए नंबर्स को देखना है किन दो क्यूब्स के बीच में लाई कर रही है। देखो 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। आपको बड़ा वाला वैल्यू इग्नोर करना है, आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी छोटे वाले नंबर से 44 और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल है यहाँ पर 166375 है। देखो क्यूब रूट आपको निकालनी है तो सबसे पहले आप देखोगे क्या यूनिट डिजिट, आप देखोगे यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है आपको, यूनिट डिजिट आपको दिख रही है 5, तो आप बोलोगे सर क्यूब रूट भी 5 से एंड करेगी। फिर आपको क्या करना है इन 3 नंबर्स को हाइड कर देनी है, बचे हुए नंबर्स क्या है 166। आपको चेक करना है 166 किन दो क्यूब्स के बीच में लाई करती है। देखो 5 का क्यूब होता है कितना, आप बोलोगे सर 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे सर 6 का क्यूब चला जाएगा 216। क्या ये वैल्यू लाई कर रही है इस दो नंबर्स के बीच में, बिल्कुल 125 और 216 के बीच में लाई करनी है। आपको क्या करना है 6 का 6 को इग्नोर करनी है, आपकी जो आंसर होगी वो क्या होगी 55। तो इस तरह से हम लोग क्यूब रूट्स किसी भी परफेक्ट क्यूब का हम लोग निकालते हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने जो समझाने की कोशिश की है कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब का हम लोग किस तरह से निकालते हैं आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एवरीवन।